स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धारा 498A में जब क्वेश्चन होता है और जब ट्रायल चलता है तो उस समय पत्नी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पति के पक्ष के जो वकील होते हैं वो पत्नी से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में ही आपको बताएंगे। ये पति पक्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है वीडियो और पत्नी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो आप इसके माध्यम से ये समझ सकते हैं कि आपके जो वकील हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस उन्हें करने चाहिए और क्या वो इस तरह के क्वेश्चंस उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। और अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए ये वीडियो इस सेंस में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी कि इस तरह के केसेस में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब भी 498A का केस होता है तो पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कोई भी वकील उसका टैलेंट आप क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त ही समझ सकते हैं, क्योंकि अगर वकील क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जिन भी वकील को किया है वो बहुत ही अच्छे हैं और आपके केस को अच्छे ढंग से हैंडल कर वो कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें सबसे पहले तो 161 का बयान जो होता है और जो चार्जशीट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 161 का बयान सबसे मेन पॉइंट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त क्वेश्चंस पूछने के लिए। 161 का बयान पुलिस के सामने दिया जाता है, तो ऐसा बयान जो कि पुलिस के समक्ष दिया गया है उसे हम कहते हैं 161 का बयान, वो एक धारा 161 के तहत ही लिया जाता है। तो जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले उन जो बयान पुलिस के समक्ष दिया गया है उससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चार्जशीट में जो भी बातें बताई गई हैं, जो चार्जेस लगाए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसके बाद फिर एक बात और आपके लिए बहुत ही काम की है कि जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें सवाल इतने तेजी से पूछे जाते हैं कि जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, वो उन क्वेश्चंस में फंस जाए। तो क्वेश्चंस जब किए जाते हैं तो वो इसी तरह से किए जाते हैं, जिसे कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि आप सही होते हुए भी आप गलत जवाब वहां पर दे देते हैं, आप अपनी बात में आप खुद ही उलझ जाते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस इतने तेजी से किए जा रहे हैं कि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उन्हें समझ सकें। जबकि वहां पर आपको पहले क्वेश्चंस को समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जो कि ये सिद्ध करता है कि आपने जो केस किया है वो सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं ये आपके केस को डिटरमाइन करता है, आपके द्वारा किए गए केस को ये सही और गलत का साबित करने में ये एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे तो जब भी क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो आपके केस से संबंधित होता है, केस में जो आरोप लगाए गए हैं उनसे संबंधित होता है, किस तरह की बातें बताई गई हैं तो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि साधारण से होते हैं, उन्हें पूछा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त में। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपके शादी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। सबसे जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि शादी के वक्त आपने कितना खर्च किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितना खर्च किया गया था। यहाँ पर खर्च पूछने का ये मकसद रहता है कि आपकी शादी जब हुई थी तो उस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कितने किए गए थे। उसके बाद जब आप इसका जवाब दें तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और उठता है कि इनकम ऑफ सोर्स क्या था, जो आपने पैसे खर्च किए वो पैसे कहाँ से आए थे। बहुत से लोग चूंकि बहुत ज़्यादा शादी ब्याह पे खर्च किए रहते हैं तो उनके पास ये सीधे से वो जवाब दे देते हैं कि कैश था हमारे पास और हमने खर्च किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठाया जा सकता है कि अगर आपने कैश में अगर सारे खर्च किए हैं तो क्या आपने इसका ITR वगैरह भरा था, आपके पास इतना कैश कहाँ से आया था। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन होते हैं, बहुत ही साधारण से होते हैं और इन्हें पूछा जाता है ये पता करने के लिए कि शादी के वक्त में खर्चे कितने हुए थे, क्या बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, साधारण हुई थी या फिर एक लेवल से ऊपर उठ करके हुई थी।
तो इन सारे क्वेश्चंस का एक अपना मतलब होता है, जिसके वजह से ये आपसे उस वक्त में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब मारपीट हुई थी तो क्या आपने शोर मचाया था, क्योंकि अधिकतर करके केसेस में ये लिखवाया जाता है कि पति ने बहुत मारा था या घर वालों ने बहुत ज्यादा मारा था, मारपीट बहुत ज्यादा हुई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, तो क्या ऐसे वक्त में आपने शोर मचाया था। अब यहाँ ये होता है कि अगर आप हाँ में जवाब देते हैं, तो अगर आपने शोर मचाया तो क्या वहां से कोई आया, शोर का जब कोई भी हल्ला सुनता है तो जाहिर सी बात है आस पड़ोस के लोग भी आते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। तो अगर आपने हल्ला किया, आपने शोर मचाया, तो आपकी आवाज सुन करके कोई आया, आसपास का कोई आया। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमने शोर नहीं मचाया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने आपके साथ मारपीट हुई है, आपको बहुत ज्यादा मारा गया है और आपने हल्ला ही नहीं किया, आपने शोर ही नहीं मचाया। तो ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर कि आप फंस सकते हैं। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपने जो लिखवाया है एफआईआर में कि आपके साथ मारपीट हुई है, तो आपने इलाज कहाँ पर कराया है। अगर मारपीट हुई है तो चोट लगी होगी, तो जब चोट लगी है तो फिर आपने इलाज कहाँ करवाया है, ये क्वेश्चन उठता है। और जहां भी आपने इलाज कराया, तो क्या आपने उसकी रिसिप्ट आपने लगाई, आपने जो इलाज के जो खर्चे थे आपने उसको लगाया है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं लगाया, तो क्यों नहीं लगाया, और अगर लगाया है तो फिर ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब मारपीट हुई थी तो फिर तुरंत ही इलाज के लिए नहीं गए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मारपीट हुई है और आप तुरंत ही इलाज के लिए नहीं गई, जब आपको इतना मारा गया, आपको इतनी चोटें लगी, तो आप तुरंत इलाज के लिए क्यों नहीं गई। और अगर आप तुरंत नहीं गई, आप कभी कभी ये होता है, ये आंसर आता है कि तुरंत नहीं, क्योंकि उस वक्त दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करना है। तो फिर जब आपके साथ मारपीट हुई और आप अपने मायके गई, आप अपने या आपने अपने पिताजी को या भाई को बताया इस बारे में, अपने माताजी को बताया, तो आपका दिमाग तो नहीं काम कर रहा था ये माना जा सकता है, लेकिन क्या उनका भी दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आपका इलाज कराया जाना जरूरी है इस वक्त। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपने लिखवाया है कि गहने आपके रख लिए गए हैं, तो जो गहने दिए गए थे उसका क्या आपने बिल लगाया है। जब भी आप कोई भी गहने वगैरह लेते हैं तो उसका बिल होता है, तो क्या आपने उसका बिल लगाया था, जितने का आपने गहना लिया था और जितना आपने बताया है कि इतने तक के गहने आपके रख लिए गए हैं, तो उन गहनों का पूरा एक रिकॉर्ड होगा आपके पास, उसका बिल होगा, तो उसका बिल आपने लगाया या नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, आपने जब इतनी एक संपत्ति होती है, गहने जो होते हैं वो एक संपत्ति होती है, तो आपने जब भी इस तरह के गहने जब आपने लिए हैं तो आपके पास बिल भी होगा ही उसका, तो आपको यहाँ पर बिल लगाना आपको जरूरी था, और अगर अब तक नहीं लगाया तो आप आगे से उसको लगवा सकते हैं। और अगर आप ये कहती हैं कि लगवाया है, तो फिर उसका पूरा रिकॉर्ड चेक हो सकता है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि जब भी आप एफआईआर वगैरह करवाती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मिसिंग होती हैं, जैसे कि डेट और टाइम, कोई आपने घटना बताई और उसका डेट और टाइम वहां पर मिस है, तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इनसे सबसे पहले उठा करके क्वेश्चन किया जाता है कि ये डेट क्या थी और ये टाइम क्या था। तो उसमें कभी कभी लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अगर झूठी एफआईआर होगी तो आपको ये बात नहीं याद होगी कि किस डेट पर, याद कैसे होगी जब जो चीजें हैं वो गलत हैं, तो आपको याद ही नहीं होंगी। और अगर कभी कभी क्या होता है कि आपने, हो सकता है कि 161 के बयान में ये बात बताई हो कि इस डेट पर इतने बजे आपके साथ मारपीट हुई थी, और आप जब वहां पर आप जब बताती हैं तो वहां पर आपका डेट और टाइम चेंज हो जाता है, तो ये आपके अनफेवर में चला जाएगा और जो आपके पति हैं उनके ये फेवर में जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, और सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस किया जाता है जिनमें, जिनको पढ़कर ये लगता है कि इनमें जो बातें बताई गई हैं, जो लिखवाया गया है, वो झूठ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी खास करके उठाए जाते हैं जिनको झूठा साबित कर आसानी से किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि साधारण से होते हैं और जिनमें अगर झूठी एफआईआर की गई है तो लोग उलझ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस का वो जवाब सही से नहीं दे पाते। तो अगर आप एक महिला हैं और आप इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप अगर कभी भी इस तरह का केस करने जाती हैं और बातें आपने बढ़ा चढ़ा करके लिखवाई हुई हैं, तो ऐसी बातों को मत लिखवाइए। आपके साथ जो हो रहा है, एक्चुअल में जो हुआ है, आप बस उतने तक ही अपने एफआईआर को सीमित रखिए।
उससे ज्यादा आप तरह तरह की धाराएं लगवा देती हैं, जिससे आप भी परेशान होती हैं और जो आपके पति हैं वो भी परेशान होते हैं। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि अगर आपने झूठ कहा है तो वो झूठ कभी ना कभी तो जरूर पकड़ा जाएगा। और अगर आपने सच है कि आपके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आपने FIR कराई है, तो फिर आपको बस ये देखना है कि आपके साथ आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको उनको पहले अच्छे से समझना है और फिर आपको उनका जवाब देना है। क्योंकि जब बातें सही होती हैं तो अगर तुरंत तुरंत भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें वहां पर अपने कल्पनाओं में जवाब नहीं देना है, हमें केवल हकीकत बतानी है। और अगर आपने हकीकत ही FIR में भी लिखवाई है, 161 के बयान में भी बताई है, चार्जशीट में भी उसी के अनुसार चार्जेस लगे हैं, तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है किसी भी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आप उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।